डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्थलोलुप समाज किसे कहते हैं इस शब्दावली का अर्थ बताएंगे। क्या बेटा? अर्थलोलुप समाज किसे कहते हैं? बेटा, अर्थलोलुप समाज एक ऐसा प्रतिरूप है, मतलब समाज का एक ऐसा प्रतिरूप है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अर्थ मतलब धन, अर्थ लोलुप समाज क्या है? अर्थ लोलुप समाज समाज का ऐसा प्रतिरूप है, मतलब समाज का एक ऐसा मॉडल है, समाज का एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें धन संपदा भौतिक वस्तु और व्यक्तिगत संतुष्टि के अन्य साधनों के उपार्जन को ही संपूर्ण मानवीय गतिविधि का मुख्य प्रेरक माना जाता है। ऐसे समाज के अंतर्गत मनुष्य को स्वभाव से, क्या कहा मैंने, मनुष्य को स्वभाव से, मतलब मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, मनुष्य को स्वभाव से स्पर्धालु, अहमवादी और लोलुप माना जाता है, मतलब लालची माना जाता है, और जिसकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। बाजार की स्थिति में मानव व्यवहार की व्याख्या और भविष्यवाणी करने के लिए इस प्रतिरूप का विस्तृत प्रयोग किया जाता है। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, अर्थलोलुप समाज क्या होता है बेटा? बेटा, अर्थलोलुप समाज समझें, अर्थलोलुप समाज समाज का वह प्रतिरूप है जिसमें धन संपदा भौतिक वस्तुओं और व्यक्तिगत संतुष्टि के अन्य साधनों के उपार्जन कोई संपूर्ण मानवीय गतिविधि का मुख्य प्रेरक माना जाता है। आज आप देखिएगा, आज का जो समाज है बेटा वो कैसा समाज है? वो अर्थलोलुप समाज है, है ना? आज का समाज धन संपदा विलासिता की वस्तुएं, इसी के साथ में भौतिक वस्तुओं व्यक्तिगत संतुष्टि को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो ऐसा जो समाज होता है उसे अर्थलोलुप समाज कहा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे भाई, आप जो है समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके सामने शब्दावली आ सकती है कि अर्थलोलुप आज का समाज अर्थलोलुप समाज है ना, ऐसा सेंटेंस आ सकता है कि आज का समाज अर्थलोलुप समाज बनता जा रहा है। तो इसका भावार्थ ये होगा कि जो आज का समाज है वो धन संपदा और भौतिक वस्तुओं को ही ज़्यादा महत्व देता है, आज का समाज अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि को ज़्यादा महत्व देता है, आज का जो समाज है वास्तविक रूप में अपने तक सिमट गया है, अपने व्यक्तिगत हितों तक सिमट गया है, इसी के साथ में आज का जो समाज है, आज के समाज के जो लोग हैं वो संपत्ति को ही अपना साध्य मान बैठे हैं, जबकि हकीकत देखा जाए तो संपत्ति तो साधन है, लेकिन आज का मानव बनी ऐसा गया है कि संपत्ति को साध्य मानता है, संपत्ति इकट्ठा करते 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 पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो अर्थलोलुप समाज का सीधा सा अर्थ होता है वह समाज जिसके अंतर्गत मनुष्य धन संपदा भौतिक वस्तुओं और क्या और व्यक्तिगत संतुष्टि को ही जो है मुख्य साधन के रूप में अपनाता है, मुख्य अपनी प्रेरणा के रूप में अपनाता है, मुख्य प्रेरणा या मुख्य प्रेरक स्रोत के रूप में अपनाता है, या मानवीय गतिविधि का जो मुख्य प्रेरक होता है, क्या कहा मैंने, मानवीय गतिविधि का जो मुख्य प्रेरक होता है वो धन संपत्ति होता है, भौतिक वस्तुएं होती है, व्यक्तिगत संतुष्टि होती है, मतलब मानव की जो गतिविधि होती है उन गतिविधियों का जो आधार होता है वो डेफिनेटली धन संपदा भौतिक वस्तुएं व्यक्तिगत संतुष्टि है। तो आज का समाज आप देख सकते हैं, प्रत्येक मनुष्य को जो है विलासिता की वस्तुएं चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को आलिशान बंगला चाहिए, है ना, प्रत्येक मनुष्य को फोर व्हीलर चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को ऐसो आराम का जीवन चाहिए। तो ऐसा जो समाज होता है उसे ही अर्थलोलुप समाज की संज्ञा दी जाती है। मुझे विश्वास है आप अर्थलोलुप समाज को अच्छे से समझ रहे होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.